एक जगह में हमने पढ़ा भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ छोटा सा है प्रश्नोत्तर मालिका। उस प्रश्नोत्तर मालिका में भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जन्मा वो कि जिसको फिर से जन्म लेने का चक्कर नहीं, और मरा वो कि जिसको फिर मरने का चक्कर नहीं। वो कितनी सुंदर बात। तो दक्षिणामूर्ति हमको इस ज्ञान को प्रदान कर, और इस स्तोत्र का अध्ययन अध्यापन सभी शास्त्रों के अध्ययन के बाद किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हम लोग पढ़ते हैं तत्वबोध, आत्मबोध, वज्रबोधम इत्यादि। उसके बाद बाकी की विवेक चूड़ामणि सब ग्रंथ हो गए, फिर भागवत हो गया, फिर उपनिषद हो गए, गीता हो गई। और सब होने के बाद उसके बाद यह आता है दक्षिणामूर्ति। तो यह स्तोत्र हमको वेदांत के ज्ञान का परिपाक है। देखो ये स्थिति ऐसी होती है, पहले तो ज्ञान पुस्तक में है, भागवत महापुराण नाम देखोगे, गीता पे इसका दो वॉल्यूम है, काफी भारी है, दो चार पांच किलो वजन है उसका, उसको यदि उठाओ 10 मिनट में थक जाओगे। उसको कंठस्थ कर लिया तो पुस्तक से हटकर के मस्तक में गया, अब सब बिल्कुल कंठस्थ है। तो जो पुस्तक का बोझा था 5 किलो का, वही जब बुद्धि में चले जाता है तो उसका बोझा बढ़ जाता है, और वही ज्ञान जब बुद्धि में जाकर के उसका जब मंथन हो रहा है, और मंथन होकर के वही ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो वह मस्तक में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान परिपक्व होने के बाद जैसे आम रस नीचे की ओर अपने आप जाने लग जाता है ग्रेविटी के फोर्स के कारण, उसी प्रकार से यह परिपक्व ज्ञान हृदय में उतर आता है।